के सोहराय भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 12वां महाधिवेशन मनाने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूरे शहर को पोस्टर बैनरों से पाट दिया गया है। खुद सीएम और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सोहराय भवन पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। शनिवार को होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें महाधिवेशन को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हम मौजूद हैं सोहराय भवन के सामने और यही वो जगह है जहां पार्टी का 12वां महाधिवेशन होना है। आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े नेताओं के कटआउट्स लगाए गए हैं। पार्टी सुप्रीमो सिबू सोरेन के कटआउट्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य के जो मुखिया हेमंत सोरेन के कटआउट्स लगाए गए हैं और पूरे शहर की अगर हम बात करें तो बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया है। लगभग 100 से ज्यादा तोरण द्वार बनाए गए और यही वो मुख्य स्थल है सोहराय भवन, जहां कार्यक्रम होना है, पार्टी का 12वां महाधिवेशन होना है। हालांकि इस बार कई तरह के प्रिकॉशंस भी पार्टी ने मेजर्स किए हैं, खासतौर पर कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए इस बार जो है सदस्यों की संख्या को सीमित की गई है। लगभग 20% के आसपास ही पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पहुंचेंगे। यही है कोरोना के मद्देनजर, चूंकि राज्य सरकार के भी कई तरह के गाइडलाइंस हैं, तो उसको भी मेजर्स करने की बात पार्टी की तरफ से कही गई है। ये मुख्य स्थल है जहां महाधिवेशन होना है, बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। पूरे शहर को सजाने का काम किया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में तोरण द्वार बन रहे हैं, पूरे झंडे और होर्डिंग से शहर को सजा दिया गया है। और सिर्फ रांची ही नहीं, राज्य के सभी जिलों में ये काम वहाँ के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पार्टी के तमाम बड़े नेता, पार्टी सुप्रीमो, कार्यकारी अध्यक्ष, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं, जो विधायक हैं, तमाम बड़े डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ बैठेंगे। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल से भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस महाधिवेशन में पहुंचेंगे। पार्टी का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम होता है। तैयारी अंतिम दौर में है, तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। और आपको ये जानकारी भी दे दे कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी तैयारियों का पूरा जायजा लिया है। कई प्रकार के निर्देश जो हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी बेसी न रहे, उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि बाहर से भी पार्टी के लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है पार्टी का, कई तरह के चीज़ें इस महाधिवेशन से निकल कर आती हैं। पार्टी का अपना संविधान है, उस पर चर्चा होती है, उसमें संशोधन की बात इस बार कही जा रही है। जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर महाधिवेशन के दौरान में चर्चा होनी है। केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिए जाने की बात कही जा रही है। और चूंकि सत्ता को लीड कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो विधायकों के अपने ग्रीवांसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस महाधिवेशन में। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा ये इवेंट, सबसे बड़ा ये कार्यक्रम, जिसको सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और कल 9:30 के आसपास जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। कैमरामैन विशाल के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।